26/11 आरएसएस की साजिश की किताब किताब का विमोचन कर रहे दिग्विजय सिंह उस टाइम पर इन पर खबरें आती थी कि गृह मंत्रालय यही चलाते हैं। अब मैं रुक करता हूं बाकी मामले का। एक सेकंड अतिकुर रहमान और हाफिज सईद के एक सेकंड अतिकुर रहमान अपनी टर्न का बड़ी ईमानदारी से इंतजार कर रहे हैं। अतिकुर रहमान साहब, क्या आतंकवाद पर सियासत होनी चाहिए? क्या 26/11 को आरएसएस द्वारा संयोजित हमला कहना चाहिए था? फ्रांस एक जुट हो सकता है, अमेरिका हो सकता है, तो भारत वर्ष क्यों नहीं, हिंदुस्तान क्यों नहीं? बोलिए रहमान जी। जी, आतंकवाद जैसे सीरियस सब्जेक्ट के ऊपर अगर हम लोग 500 साल 5000 साल 1000 साल पीछे जाएंगे तो मैं समझता हूं ये जानबूझकर लोगों को आप दर्शाते हैं कि आप सीरियस जरा भी नहीं हो आतंकवाद से डील करने के लिए। यहां पर हम 26/11 को डिस्कस कर रहे हैं और ले जाया जा रहा है हमको 500 साल और 1000 साल पहले। मैं समझता हूं अमित जी, कोई भी आतंकवाद की घटना हिंदुस्तान के अंदर पिछले 10 साल 20 साल के अंदर कोई मायने नहीं रखती है जब तक कि हम सबको एक बराबर की नजर से ना देखें कि यह एक आतंकवाद का हमला था। ये आप सिलेक्टिव कैसे हो जाते हैं कि सिर्फ 26/11 था और पुलवामा नहीं था? और अगर होते भी हैं शाहनवाज जी तो आप मुझे बताइए सर्जिकल स्ट्राइक एक करने के बाद में आप सीना ठोक रहे हैं? आपने चंद पेड़ पौधों को जला दिया वहां पर जाके और आप कह रहे हैं कि आतंकवाद के हमने हमने पाकिस्तान ने बोला आप कैसे बोल सकते हैं? अरे मसूद अजहर जैसे लोग ने बोला कि पेड़ पौधे गिरे हैं, पाकिस्तान ने बोला कि कौवा मरा है। एक सेकंड, कर्नल दानवीर बताएंगे कि कितने पौधे मरे, कितने कौवे मरे, कितनी चीले मरी या कितने आतंकी मरे। ठीक है, बोलिए अतिकुर रहमान, बोलिए आप अपनी बात को रखिए। ये कह रहे हैं कि वहां पर कुछ पौधे जला दिए, ये जो मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं अमीश जी, और एक कौवा मारने की बात है। अतिकुर रहमान साहब, ये पाकिस्तान की आईएसआई का डीजीएस आईएसपीआर का एक प्रोपेगेंडा है, इसको फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर कहते हैं और आप उस फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का शिकार हो गए हैं और आप हिंदुस्तान के टेलीविजन पर उन्हीं के बात की तस्दीक कर रहे हैं, उसी की बात को बढ़ा रहे हैं। ये कितने शर्म की बात है और ये पाकिस्तान के लिए कितने गर्व की बात है कि उसका जो प्रोपेगेंडा है वो आप पे चिपक गया है। और क्योंकि आप देखते होंगे खराब हो जाएगी अमित जी, बहुत देखते होंगे, बहुत खराब हो जाएगी। देखिए और आपकी बात से वो गुमराह हो रहे हैं। ठीक है कर्नल दानवीर, आपने अपनी बात को रखा, अतिकुर रहमान बोलिए अब आप। बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल साहब। हिंदुस्तान की जनता और मैं बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि यह हाफिज सईद का सर कटा हुआ कब हमारे सामने लाया जाएगा, कब आप इसका सर कुचल के लाएंगे, तब जाके हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। आप किसी तरह से भी यहां वहां नहीं घुमाइए। और अगर आप इतना समर्थन कर रहे हैं अमित जी पीछे जाना चाहते हो तो सिर्फ भारत के वासी एक ही नारा लगाते हैं, कलम करके लेके आए, आपको गारंटी देता हूं कि हिंदुस्तान की सेना हाफिज सईद का सर कलम करके और इस देश के कदमों में डाल देगी। आप कौन सी गलतफहमी में घूम रहे हैं? आप अपने सियासतदानों को बोले, आप अपने सियासतदानों को बोले कि वो फौज को हुक्म दे और हुक्म की तामील होगी, सर कलम जवाब अवस्थी जी। अमीश अमीश, ये सिर्फ अतिकुर रहमान ने अतिकुर आप बोल ले दो, अतिकुर रहमान ने सिर्फ पाकिस्तान की भाषा नहीं बोली है, उसने हिंदुस्तान की फौज पर सवाल खड़ा किया है कि दो चार पेड़ जला के आ गए, ये हिंदुस्तान की फौज का अपमान है क्या? अतिकुर रहमान सुन ले, हाफिज सईद का सर नहीं ले जाएंगे, जिंदा पकड़ के आएंगे ताकि उसके यहाँ जो स्लीपर सेल है ना, यहाँ जो स्लीपर सेल है ना हाफिज सईद का, कौन बोल रहा है वो भी पता लगाएंगे। अपने मुंह से बोलेगा हाफिज सईद कि हिंदुस्तान में बैठ करके, हिंदुस्तान में बैठ करके उसका स्लीपर सेल कौन था?
हिंदुस्तान में बैठ करके स्लीपर सेल कौन था ये भी पता लगाएंगे, जिंदा पकड़ के लाएंगे इंशाल्लाह। की बात इंशाल्लाह हिंदुस्तान के अंदर जो है ना बना ली, जिनके तार जुड़े हुए हैं, जो कहते हैं दो पेड़ जला के आ गए, उनको भी पकड़ा जाएगा, उनको भी पकड़ा जाएगा, वो सबूत मांगने वालों को भी पकड़ा जाएगा। जब हाफिज सईद खुद बोलेगा इतने मारे गए, इतने मारे गए, इतने मारे गए, सुरजेवाला ने कहा था ना कि पुलवामा अटैक पाकिस्तान ने नहीं किया, होम ग्रोन एक्सट्रीमिस्ट ने किया, देसी आतंकवादियों ने किया, सब पकड़े जाओगे इंशाल्लाह। अभी अभी लगा महात्मा हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है। मुझे मालूम है फ्रस्ट्रेशन, मैं निवेदन करूंगा कि महात्मा गांधी का कातिल पाकिस्तान के लिए टेलीविजन देखते कब का नरक में चला गया। लेकिन हाँ ये सच है कि तुकाराम का जो कातिल था वो तो नरक में चला गया, लेकिन इस देश में ये नारा नहीं लगा कि तुकाराम हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है, क्योंकि वो कातिल जिन्होंने तुकाराम की शहादत को शर्मिंदा कर दिया, वो कातिल जिन्होंने तुकाराम की शहादत को कमजोर कर दिया, वो कातिल जिन्होंने तुकाराम की विचारों को कमजोर कर दिया। मैं इसलिए तुकाराम का नाम लेता हूं कि एक लाठी से ये कहते हैं साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, लेकिन मैं कहता हूं कि हां महात्मा गांधी अमर है और अमर रहेंगे, वो साबरमती के संत थे हैं और रहेंगे, सब उनका सम्मान करते हैं, लेकिन तुकाराम इसलिए तुकाराम की बात करनी जरूरी है कि एक लाठी के साथ उसने AK-47 का सामना किया, और जब मैंने तुकाराम का नाम लिया उस व्यक्ति ने सर्वोच्च बलिदान दिया, तो तकलीफ हो गई तस्लीम रहमानी को कि आपने हेमंत करकरे का नाम नहीं लिया। अरे तुकाराम को तुकाराम तुकाराम का नाम लेने में किसी को शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, और शर्मिंदगी इसमें भी नहीं होनी चाहिए कि गुरु तेग बहादुर का गला किसने काटा था। नहीं तो वो तो रोकता नहीं तो बहुत कुछ गड़बड़ हो जाता उस दिन, अगर तुकाराम ने वहीं पर अजमल अमर कसाब और उसकी जो टीम थी उसको नहीं रोका होता रहमानी साहब। तुकाराम अरे उसका भी सबका लेते हैं, हेमंत करकरे को सबने किया, लेकिन वो लाठी से ठीक कर दिया। और अतीकुर रहमान साहब आपने पाकिस्तान की कैसे लैंग्वेज बोल दी कि वहां पर सिर्फ पेड़ गिरे, आपको ये बयान वापस लेना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए जो पाकिस्तान ने बोला, बोलना चाहिए हिंदुस्तानी के नाते आपने क्यों कहा अरे कटा हुआ कटा हुआ पेड़ गिरा, आप हमारे एयरफोर्स के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, इंडियन एयरफोर्स पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि दो पेड़ गिरे, अरे ये तो पाकिस्तानी बोलते हैं, आप हिंदुस्तानी होने पर शर्मिंदा नहीं है? आप कह रहे हैं कि पेड़ गिरा, आपने कहा पेड़ गिरा है, ये जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं आप, ये हिंदुस्तानी एयरफोर्स का और फौज का अपमान कर रहे हैं। अरे सर्जिकल स्ट्राइक हर 15 दिन में वहां पर जाके आतंकवादी मारे, आपको दर्द हो रहा है जो पाकिस्तान ने कहा, मतलब कमाल है कर्नल तानवीर, ये तो एक नई डिमांड आ गई है, अभी तक तो ये डिमांड आ रही थी कि हाफिज सईद की गर्दन लेके आइए, सर्जिकल स्ट्राइक हर 15 दिन में होनी चाहिए, लेकिन 26/11 के 5 साल तक 7 साल तक 10 साल तक कुछ नहीं हुआ, उड़ा दिया था कर्नल दानवीर। ये बिल्कुल बदमाशी कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के अतीकुर रहमान साहब, इनको शर्म आनी चाहिए कि इस तरीके से वो डिवीजन कर रहे हैं सोसाइटी का। इस सोसाइटी का किसी हालत में डिवीजन नहीं करना चाहिए, वो भी शहीदों के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर, सिलेक्टिव भाषा बोलने के नाम पर, और पाकिस्तान की पाकिस्तान के प्रोपोगंडे को हिंदुस्तान के टेलीविजन पर परोसने की ये जो चीज कार्रवाई है ये बहुत दुख की बात है। वहाँ पर पक्षी मार कर आए, क्या आपको लगता है ये गैर जिम्मेदार बयान है आपकी तरफ से? एक स्ट्राइक में आर पार किया था, बहुत ही बड़े बेवकूफ है कि अगर इस तरीके की बात कर रहे हैं, ये बहुत ही इनको शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। अगर करने की हिम्मत है तो करिए, अमेरिका का हवाला देते हो, उसने तो एक आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें हिम्मत नहीं है, ढेर किया आपने पाकिस्तान की तरफ से, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ललकार रहे हैं कि हमें वो हिम्मत नहीं है। बेसिकली आपकी भाषा की जो टोन है वो इसी तरफ इशारा कर रही है। हम कैसे आतंक पर